नवाचार के मामले में इंदौर प्रदेश में हमेशा अव्वल रहा है। इसी कड़ी में इंदौर जिला प्रशासन द्वारा एक अनूठा काम शनिवार को किया जाने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि जिन राशन माफियाओं का घोटाला कलेक्टर मनीष सिंह ने उजागर किया था, उन राशन माफियाओं से वसूली शुरू हो चुकी है। इसमें करीब 7.5 लाख रुपये की राशि अब तक वसूल की जा चुकी है। इन राशियों का अब जिला प्रशासन द्वारा इस्तेमाल कर राशन खरीदा जाएगा और हितग्राहियों को दिया जाएगा, जिनका राशन इन राशन माफियाओं ने हजम कर लिया था। जी हां, आपको बता दें कि कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा शनिवार को खंडवा रोड स्थित ऑडिटोरियम में एक आयोजन किया जाने वाला है, जिसके अंदर इन हितग्राहियों को राशन बांटा जाएगा। आपको बता दें कि इंदौर में एक राशन घोटाला जिला प्रशासन द्वारा उजागर किया गया था, जिसके अंदर करीब 80 लाख रुपए का राशन घोटाला इन राशन माफियाओं द्वारा किया गया था। इनके ऊपर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई भी की गई थी, वहीं कुछ राशन माफियाओं पर रासुका भी लगाई गई थी। अब देखना लाजमी होगा कि इन राशन माफियाओं से जो बची हुई राशि है वो कब तक वसूल की जाती है। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ अमित सालगढ़, एमपी न्यूज़, इंदौर। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।